जी, हालांकि लगातार कांग्रेस के सीनियर जो लीडर्स हैं वो जीत की विक्ट्री साइन बता रहे हैं, जीत के माहौल के लेके, चाहे जीत कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, पर अभी से ही जीत का जश्न शुरू कर दिया गया है। वहां पे कार्यालय में कैसा माहौल? देखिए बिल्कुल जागृति, साफ तौर से इस वक्त हम मौजूद हैं AICC 24 अकबर रोड दिल्ली कांग्रेस का, जहां पर मुख्यालय। अब यहां पर आपको माहौल दिखाने की अगर हम कोशिश करें तो सुबह से ही ढोल नगाड़े यहां पर बजाए जा रहे हैं, यानी कि जब एग्जिट पोल आया था उसके बाद से ही कहीं ना कहीं फेवर में जो देखा गया कि बीजेपी के फेवर में दिखाया गया हो। लेकिन आज जो माहौल देखने को मिल रहा है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर, तमाम तरह से पोस्टर यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, राम दरबार लगाए गए हैं यहां पर और भगवान राम की झांकियां भी यहां पर देखने को मिल रही है। और ये पोस्टर्स के माध्यम से आप देखने की कोशिश कर सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं कि अब जो एग्जैक्ट पोल निकलकर सामने आने वाले, यानी काउंटिंग जो शुरू हो चुकी है, रुझान आने शुरू हो चुके हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की जो हम कह सकते हैं जो आत्मविश्वास देखने को मिल रहा था वो यहां पर धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे हम आपको और दिखाने की कोशिश करेंगे यहां पर किस तरह से अलग अलग तरह से जीत कांग्रेस की होगी वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये हवन कर रहे हैं और इसमें तमाम तरह के पोस्टर आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहां से शुरू है, ये फूल सिंह हैं जो यहां पर हवन कर रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में लेकर जो 1100 रुपए सिलेंडर पहुंच चुका है, यहां से लेकर फ्यूचर कांग्रेस के जो स्टार होने वाले हैं, यानी कि रेहान वाड्रा, मिराया वाड्रा या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा, सबके यहां पर तस्वीर आपको देखने को मिल जाएंगे। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता फूल सिंह हैं जो हवन पूजन कर रहे हैं, हालांकि रुझान आने शुरू हो चुके हैं। फूल सिंह जी, आपको कैसे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार क्लीन स्वीप करने जा रही है? भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने स्टार्ट की थी, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज भारत जोड़ो हवन का आयोजन रखा गया। और कहते हैं राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूं। पहली दुकान कर्नाटक में खुली थी और अब शीघ्र ही 5 राज्यों में मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है। और आज से 4 दिन पहले मोदी जी ने इलेक्शन सरेंडर कर दिया था। जो भी रुझान, जो भी एग्जिट पोल में आप देखा होगा, नड्डा साहब की फोटो लगा दी गई क्योंकि उन्हें डर है कि वो हार रहे हैं, इसलिए आज हार का ठीक रहा, नड्डा साहब के सर फूटने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर से कहना है कि अब बीजेपी की तरफ से जो पोस्टर जारी किए जा रहे हैं उसमें जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके पोस्टर लगा दिए गए, यानी कि ये एक तरह से साफ साफ तौर से इशारा है कि बीजेपी इस बार कहीं ना कहीं पीछे रहने वाली और कांग्रेस 5 विधानसभा में जीत दर्ज करने जा रही है। लेकिन एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत अंतर होता है। अब से कुछ देर बाद नतीजे जब आने शुरू हो जाएंगे तो काफी सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। जी